हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और मैं आज जा रही हूँ संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ। मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है और मैं आज स्कूटी से ही जा रही हूँ। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और शाम के समय हम निकले थे तो जब आधे से ज़्यादा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया तो बहुत बुरी तरह जाम लगा हुआ था, क्योंकि सिटी के एरिया को भी क्रॉस करना पड़ता है जब मंदिर की साइड जाना होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह जाम था। जितना समय मुझे आधा रास्ता क्रॉस करने में नहीं लगा, वहाँ से जहाँ मात्र 5 से 10 मिनट का रास्ता था वहाँ मुझे आधा घंटा और लग गया क्रॉसिंग करने में। और फिर किसी तरह हम पहुँचे। मैं घर से निकली थी 6 बजे के आसपास और मैं 8 बजे मंदिर पहुँची। इतनी दूर नहीं था जितना मुझे समय लग गया। मंदिर में पहुंच गई हूं मैं और यहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पार्किंग में जगह देख रही हूं स्कूटी को कहां लगाऊं, फिर उसके बाद आगे जाएं। और क्योंकि मंगलवार शनिवार को वैसे भी हनुमान जी के दर्शन करने आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश आपको मिलेगा ही, और आज मंगलवार ही है। ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन वुमेंस डे था, सेलिब्रेशन किया था। एक्चुअली मैं घर से ही बोल के गई थी कि मुझे जाना है, बट फिर मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं भूल गई, घर आ गई, फिर घर से मैं दोबारा गई थी तो काफ़ी लेट हो गई थी। तो ये है मेन एंट्रेंस हनुमान जी के, संकट मोचन जी के आप दर्शन करने आएंगे तो वहाँ की। और लीजिए दोस्तों, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बाबा सब पर कृपा बनाएं। और अब मैंने यहाँ से प्रसाद वगैरह चढ़ा लिया था और वापस आए थे। यहाँ लॉकर में बहुत सारी चीज़ें हमने रखवा दी थी, वो सब निकलवाई थी, फिर अपने शूज़ वगैरह पहने और यहाँ से रिटर्न हो रहे थे। बहुत अच्छा मंदिर है, बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपसे ये कहूँगी, बनारस बहुत अच्छी घूमने की जगह है। कभी यहाँ आप आएँ तो एक तरह का तीर्थ स्थान है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे जहाँ आप दर्शन कर सकेंगे, तो वो आइएगा और ज़रूर करिएगा। जब हम वहाँ से निकले तो मेरे को भूख लगी आई थी और 9 से 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। बहुत लेट हो गई थी मैं घर पहुँचने में, तब रास्ते में ये मोमोज लिए और बस इन्हें खा के सीधा हम फटाफट घर पहुँचे क्योंकि काफ़ी दूर थे। घर पहुंचते पहुंचते मुझे 9:30 हो गया था। क्या हुआ? जब हम बोल रहे तब जा रहा है और वैसे खुद आ रहा था। आपसे मांग रहा है। ओह माय गॉड, आपका दोस्त है ये। पता है, पैर पे हाथ रखा है इतने अच्छे से। यहाँ पे सबका दोस्त बना, उस दिन आपका बना, आज मेरा, एक दिन इनका बनेगा। मैं तो हैरानी हो रही हूँ, देखो तीनों आए, मेरा तो पैर सूंघा खाली, आपके पैर पे यूं हाथ रख के कह रहा है। लोग इधर से ले ले रहे। वो वाला पता नहीं कहाँ चला गया, आया ही नहीं दोबारा। सोचना अगले दिन नहीं मिले ना मुझे। आप सभी जानते हैं कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और आज तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। सुबह से बुखार हो रहा था बहुत तेज़, और ज़ुकाम भी, खांसी भी, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, बट अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। मेरा बुखार एकदम उतर गया है और सब लोग मेरी इतनी केयर कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। ऐसा लग रहा है कि आधी तो ठीक मैं इस वजह से हो गई हूँ कि सब इतनी केयर कर रहे हैं। और अभी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने सुबह में मुझे काढ़ा बना के भेजा। एक मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे काढ़ा पिलाया सुबह में।
और अब देखिए अब शाम हो गई है, 6:30 का टाइम हो गया है, अब उन्होंने मुझे स्नैक्स आइटम भेज दिया है। मतलब वो ये चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से ज़्यादा काम नहीं करूं, आराम करूं और कल तक मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊं। बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, तो मैं दिखाती हूं उन्होंने क्या भेजा है। तो इसमें है चटनी, पकोड़े भेजे हैं, देखिए भजिया भी कहते हैं इसे, ये देखिए बहुत गर्म है, एकदम गर्मा गर्म भेजा है अभी। और इसमें है ये देखिए चटनी, अब हमारा तो डिनर ही हो जाएगा ये, है ना। हर्षिता इस समय अपना दूध ले रही है और उसका दूध के साथ कुरकुरे चलते हैं, अब साथ में गर्मा गर्म ये आ गया है। अच्छे बनाए, बहुत टेस्टी है।